और अभी संबल, ये ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब आदमी की समग्र समस्याओं का निदान करने वाली योजनाएं हैं। इसलिए मैं ये मानती हूं कि अब की बार की हमारी जो सरकार है वो हमारी सरकार के कार्यशैली के आधार पर बनेगी, और अभी इसकी जरूरत 10-15 साल तक और पड़ेगी। इसलिए मैं शिवराज जी का बहुत अभिनंदन करूंगी। हमारी महिलाएं चली आ रही हैं दौड़ दौड़ करके। मैं इन महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में अब महिलाएं घर से बाहर रहती थी तो सुरक्षित रहती थी, अब वो नौकरी कर रही हैं, शासन कर रही हैं, बड़े बड़े पदों पर कायम हो रही हैं, तो इसका परिणाम ये आ रहा है कि वो घर से बाहर निकलती हैं। घर से बाहर निकलती हैं तो उनसे लोग जलन रखते हैं, जलन रखने वाले लोग उन पर हमला बोलते हैं और उनकी इज्जत पे भी हमला बोलते हैं। और ये घटना खाली भारतवर्ष में नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है। ए भाई लोगों, बैठो कुर्सी पे। हाँ, कुर्सियां खाली करें भाई लोग, महिलाओं के लिए बोलिए भारत माता की। तो पूरी दुनिया में ये संकट खड़ा हुआ, लेकिन पूरे भूमंडल पर अकेली बलात्कारियों को 40 की सरकार का अभिनंदन होना चाहिए। और कृषि के मामले में आज मध्य प्रदेश भारत में नंबर एक पर हो गया है। कृषि आगे बढ़ेगी तो बहुत अचल स्थायी विकास होता है। कृषि के बिना अचल और स्थायी विकास नहीं होता, क्योंकि उद्योग चलते